99% वोट के मुंह में जा चुके हैं। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो सर के आसपास एक गांव है, उस गांव में वोट कर सके। और ये जिम्मेदारी आप लोगों के लिए है कि इस केमिकल्स जो आपके वक्त में हमारे समाज में हो रही है आसानी से जाने देना या हमारे घर के लिए का एक तरीका होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपने कॉलेज में नंबर दो, अपने रिपोर्ट रहे तो इसका साथ दें। मैं किसी छोटा लड़कों को देखे चला जाता है तो ये इंफॉर्मेशन हर जगह होता है। उसके बाद अपने अपने मोहल्ले में छोटे छोटे से ग्रुप, वो ग्रुप का काम ये होगा कि अपने मोहल्ले। जय हिंद, मैं JU भानु प्रताप सिंह फ्रॉम GDC कोड। आज हमारे कॉलेज में भारतीय सेना के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें ड्रग अब्यूज़ के बारे में, और इसमें बताया गया हमारे जो आज का यूथ है वो किस तरह से इस नशीले पदार्थ में दिन ब दिन जा रहा है और इसकी जो मात्रा है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे तरफ से ये भारतीय सेना की तरफ से यही बताया गया, यही अवेयरनेस किया गया कि हम इसमें कैसे बाहर निकलें और कैसे अपने भाई बंधुओं को इसमें से बाहर निकालें। और हमारे आसपास में ये अगर कोई भी ड्रग्स वगैरह लेता है तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर और अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन करने के बारे में बताया है। और उनकी तरफ से काफ़ी सारे जम्मू में हॉस्पिटल भी हैं, वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से होते हैं जो इनको यूथ को इस चीज़ से बाहर निकालते हैं। तो मैं यही भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया और हमारे यूथ को अवेयरनेस किया। जय हिंद। सर क्या प्रोग्राम था? जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट प्रोफेसर अरुण शर्मा, GDC खोड़। आज GDC खोड़ में आर्मी और स्टेट ड्रग्स कंट्रोल जो यूनिट है पुलिस की, JNK पुलिस की, उनकी तरफ से यहाँ ड्रग अवेयरनेस लेक्चर रखा गया था। यहाँ पे दो स्पीकर्स श्री SSP राजकुमार सर और DSP शमशेर सर आए हुए थे। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को बताया कि किस तरीके से ये जो ड्रग्स है वो फैलता जा रहा है और कौन कौन से ड्रग्स हैं जो अभी हमारे इस एरिया में जो ज़्यादा चल रहे हैं, और बच्चों को बताया कि इनसे बच के रहना है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी हमें बाहर निकालना है। और बच्चों को ये भी बताया कि जो भी आपको एक्टिविटी अगर कोई संदिग्ध दिखती है तो उसके बारे में आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें और इस सोसाइटी को साफ़ सुथरा बना सकें। शुक्रिया। मैं SSP ANTF राजकुमार। आज हमने यहाँ डिग्री कॉलेज खोड़ में विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ आर्मी एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है और बच्चों को ये बताया गया है कि किस तरह से बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद आगे उनकी क्या क्या हालत होती है उन ड्रग्स की वजह से, ताकि ये बाहर जाएं सोसाइटी में और सब लोगों को बताएं कि जो ड्रग अब्यूज़ है ये बहुत बड़ी बीमारी है और जो यंग बच्चे हैं इससे दूर रहें। ये प्रोग्राम हम अवेयरनेस के लिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि अवेयरनेस से ही जब लोगों को ये पता चलेगा कि जो ड्रग्स हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रहा है ये कितना ख़तरनाक है और जो इससे पैसा जनरेट होता है वो कैसे इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ पर यूज़ होता है, जब हम इसी को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी भी इससे अच्छे से रहेगी। और हम ये लोगों से भी आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जो अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं उसमें अटेंड करें और अटेंड करने के बाद जो हम बताते हैं वो बाकी लोगों को साथ शेयर करें कि ये बहुत गलत चीज़ है, इससे बच्चों को दूर रखें और अपने अपने बच्चों के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखें ताकि कोई भी बच्चा इसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। सर, जो नशा करते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ? जो नशा कर रहे हैं उनके लिए हमें यही मैसेज है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें ताकि हम उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में उनकी ट्रीटमेंट करें तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, वो ऐसे मत बैठे, क्योंकि डी एडिक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है जो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। तो हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, वो हमारे पास आए तो हम उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती करेंगे, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट चलेगी, वो इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे।